कैसे हैं आप सब? यहाँ पानी है। आयशु फिर प्रेस करने लगी तुम उसे? नहीं करो बेटा। बोलो कैसे हैं आप सब? बंद करिए। व्लॉग में बोलो ना। आपने बंद। बोलो ना कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब? हम लोग कहाँ जा रहे हैं आयशा? बताओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ? कहाँ जा रहे हैं बताओ जल्दी। रेस्टोरेंट जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? चाउमीन खाने। तो मुझे चाउमीन नहीं पसंद है। चाउमीन पसंद है। क्या खाना है आयशा को? बर्गर। अभी तो चाउमीन बोली। कहाँ चल रहा है? हम लोग का डिसाइड हुआ है एक रेस्टोरेंट, तो वहीं जाएंगे। जो शफक के साथ गए थे। शफक के साथ हरमू या अशोक नगर? हरमू में है। अभी रुके लोकेशन खोलता है। तो गाइस वहीं जाते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं और लॉन्ग ड्राइव भी ज़्यादा दूर है। पहले हम लोग कहीं और जा रहे थे, अब कहीं और जा रहे हैं ना। नशु शफक नहीं, शफक आप ही नहीं जा रहे। तो शफक आप एक साथ जुक गए थे हम लोग ना। हाँ। वहीं जा रहे हैं। तो वहीं अब हम लोग जाएंगे और धूप देखिए अच्छा खासा है और बरसाती गर्मी है। भूख बहुत लग रहा है। लंच तो बाबू बस की है, हम लोग वहीं कुछ खाएंगे। आपको भूख लग रहा है? नहीं, हम लोग काफ़ी लेट लंच ब्रेकफास्ट किया ना। कब किया आप? 12 बजे के आसपास जो उसके नहीं तो, बोले थे। मैं तो 11 बजे हुआ था। पहुँचते पहुँचते भूख लग रही है। तो बने रहिए ब्लॉग में, बने रहिए ब्लॉग में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बन रहा है ना? वेट भी करना पड़ रहा है, आज भीड़ बहुत है संडे का। नहीं रशु क्या करना पड़ रहा ना बेटा? हाँ यहाँ तो हम लोग आ चुके हैं, आज आ गए हैं लंच करने ना रशु। हम लोग तीनों वेटिंग इतना है ना, वेटिंग आज काफ़ी वेट करना पड़ रहा है हम लोग को। इतना टाइम लगे क्या? ब्राउन हटा तो अब हम लोग देखिए कितना देर वेट करना पड़ रहा है। 15 मिनट तो हो गया वेट करते करते। आज काफ़ी भीड़ है, उस दिन हम लोग आए थे तो उतना भीड़ नहीं था ना जैसा। सो गाइज़ हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं लंच करने फैमिली के साथ। ये वाला रेस्टोरेंट मैंने पहले भी आपको दिखाया है, बहुत अच्छा है गाइज, मुझे बहुत पसंद आया और हम लोग यहाँ ऑर्डर करें अभी। तो गाइज़
तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर करें गाइज, इंडियन ही सोचा खा लेते क्योंकि उससे पेट भर जाएगा। वही मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या खाना है क्या नहीं, जो तुमको खाना है वही बताओ। मेरे हस्बैंड का यही है, जो मैं ऑर्डर करती हूँ वही बेचारे वो खाते हैं। इनमें बहुत अच्छा चीज़ है और माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम लोग ऑर्डर करेंगे, कुछ इंडियन ही हम लोग सोच रहे थे ऑर्डर करने का। और लुक मतलब देख सकते हैं एकदम फॉरेन ही लुक आता है यहाँ रांची में, मतलब सबसे अच्छा रेस्टोरेंट यही है, एकदम फॉरेन वाला मतलब फील आता है। बाद गाइज हम लोग ने पहले स्टार्टर्स ऑर्डर कर दिया है, चिकन कबाब है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत यमी था गाइज। और ग्रीन चटनी इन्होंने दिया था पूरा, मतलब वो जो नहीं होता है धनिया पत्ती का जो चटनी होता है जो हम लोग घर पे बना रहे हैं उसके साथ खाने में मज़ा आ रहा था गाइज, कोरिएंडर लीव्स की चटनी। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ खा रहे हैं और वो टेस्ट करके वो भी बोल रहे थे कि काफ़ी यमी है गाइज, और मैं बहुत इन्जॉय करूँ। ये चिकन बहुत ही यमी था और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है ये चिकन टिक्का कबाब व्हाटएवर जो भी होता है, बहुत पसंद आता है। और अनियन के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाता है गाइज। तो हम लोग वही इन्जॉय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और यहाँ म्यूज़िक है, तो फिर से मैंने वही वॉइस ओवर कर दिया है और मैं अपना इन्जॉय कर रही हूँ और हस्बैंड भी इन्जॉय कर रहे हैं। और जायशु तो कुछ खा नहीं रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, उसका रखा हुआ है, सिर्फ कोक पी रही है, वो कुछ खाती ही नहीं है गाइज, पता नहीं क्यों ऐसे करती है। तो यही है गाइज, और वही हम लोग चिकन टिक्का कबाब खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और आगे हम लोग फिर सोच रहे क्या ऑर्डर करें। तो इंडियन ही खाने का दिल था, काफ़ी दिनों के बाद साथ में हम लोग इंडियन खा रहे हैं, इंडियन लंच हम लोग ने खाया है। तो फिर हमारा ये मेन कोर्स भी आ गया, अचार सबसे पहले आ गया, मिक्स अचार है ये, बहुत यमी लगता है मुझे तो पर्सनली, काफ़ी अच्छा लगता है नान वगैरह में। और इन्होंने फिर प्याज भी दिया था, बहुत अच्छा मतलब प्याज और प्लस लेमन साथ में दिया था। ये अचार मेरा बहुत पर्सनली फेवरेट है और प्याज भी देख लीजिए आ गया है, तो प्याज भी मैंने ले लिया है, मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है अनियन। और यहाँ पे मैं नींबू भी स्क्वीज़ कर रही हूँ। और यहाँ हमारा बटर नान और बटर चिकन आया है, बटर चिकन मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है गाइज, और नान के साथ खाने में मज़ा ही आता है। बटर चिकन और बटर नान खाकर मज़ा आ गया आज लंच में फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगा और बहुत यमी भी था गाइज, बहुत टेस्टी था जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर था। और बटर नान भी बहुत मतलब लाइट था, ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं था, बहुत ईजिली हम लोग उसको तोड़ पा रहे थे। और अनियन के साथ खाने में मज़ा आ रहा था और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बटर चिकन विथ बटर नान और अनियन के साथ। और एक कोक मंगाया था और मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए कुछ मंगाया था, रेड बुल मंगाया था। और जायशु कुछ खा नहीं रही है, तो यही गाइज हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। बटर नान किस किस का फेवरेट है, बटर चिकन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरा पर्सनली फेवरेट है, मैंने अपना फेवरेट लंच आज किया है फैमिली के साथ, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और अनियन भी खा रही हूँ मैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन भी मुझे बहुत पसंद है नान वगैरह, ऐसे मुझे इटालियन भी बहुत अच्छा लगता है बट इंडियन भी अच्छा लगता है, जैसे बटर नान बटर चिकन वगैरह अच्छा लगता है। और पनीर तो मेरा फेवरेट है बट आज नॉन वेज खाया। तो गाइज यही अब फिंगर बोल आ गया है और जायशु ने कुछ नहीं खाया और हाथ धो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, हैंड वॉश कर रही है। गाइज हम लोग का खाना पीना हो गया है और जायशु कुछ भी नहीं खाई है गाइज, बस नान थोड़ा सा खाई है क्योंकि ये खा के आई थी घर से पुलाव, हम लोग नहीं खा के आए थे तो हम लोग ने खाया। और खाना सीरियसली दूसरे टाइम में आ रही हूँ, बहुत ही यमी था, बहुत डिलीशियस था। पिछले बार चाइनीज़ खाया था वो भी काफ़ी अच्छा था, इस बार इंडियन खाया वो भी बहुत ही यमी था। बटर चिकन तो मेरा फेवरेट है ही और बटर नान के साथ मज़ा आ गया खा के। और साथ ही साथ हम लोग ने एक कोक लिया था और रेड बुल लिया था, और ज़्यादा रेट नहीं हुआ, रेट के हिसाब से भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, जिसे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह भी सब आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब पैसे मिला के जो देते हैं वो लोग अपना आके आराम से यहाँ पे खा सकते हैं। और बस अब मीठा कुछ नहीं खाया है, आइसक्रीम देखते हैं कुछ खाएंगे, आइसक्रीम खाना है ना, चोकोबार, हाँ इसे चोकोबार खाना है, चोकोबार ढूंढते हैं मिलता है तो वही खाएंगे, देखते हैं वरना दूसरा आइसक्रीम खाएंगे। और बस यही है और यही मेरा तो गाइज मुझे रास्ते में मेरा स्कूल मिल गया था जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लस टू मैंने यहीं किया था गाइज,
क्या दिन थे वो गाइज। और यहाँ से हम लोग आते जाते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वो दिन याद आ गया वापस। अब वो दिन आ नहीं सकते। हम लोग बहुत इंजॉय किए थे अपना, मतलब प्लस टू ही मेरा सबसे अच्छा रहा गाइज। ये देखिए गाइज, ये पूरा बिल्डिंग है मेरे स्कूल का प्लस टू का, और यहीं से मैं इंटर होती थी, ये वाला जो अभी आएगा देखिए। और बहुत काफ़ी बिल्डिंग बन गया है गाइज आगे ऊपर, मतलब ज़्यादा बन गया फ्लोर्स वगैरह। कट करो कि तुम ना कट करना होगा, कट ही नहीं कर रही। कट करो कट करो, गिरेगा गिरेगा, ये बस लिख कर रही। कट करो कट, तीज से कट करो ना, फिर मेल्ट हो जाएगा। अपने गाँव क्यों नहीं खाओगे? गाइज़ हम लोग ऐसे ही वेस्ट साइड आ गए थे, कुछ शॉपिंग तो नहीं करना था बट ऐसे ही देखने आए थे कि क्या क्या, मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह है भी कि नहीं। बट उस टाइम कोई डिस्काउंट नहीं था, तो फिर ऐसे भी शॉपिंग का मूड नहीं था, तो और डिस्काउंट होता तो कुछ लेते ज़रूर, बट वैसा कुछ नहीं था। तो वही हम लोग ऐसे घुमा रहे बाबू को। तो गाइज़ इसका टाइम एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा मेरा फैमिली वाला व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर।